साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज आप साइंस क्लासेस में पढ़ रहे हैं 11 क्लास फिजिक्स, ये यूनिट एंड मेजरमेंट नाम से आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें हम लोग ने पैरेलेक्स मेथड की से हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच का डिफरेंस हम लोग ने पता किया था, उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग ने किए थे, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल अभी बाकी रह गए हैं। जैसे आपका ये आपके सामने स्क्रीन पे 2.3 नंबर न्यूमेरिकल है, द मून इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ, द एंगल ऑफ थीटा सस्टेंडेड एट मून बाय टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन 1 degree 54 minute गिव द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट 1.276 × 10⁻⁷ meter, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा आपने। अब देखिए क्या करना है, वी हैव थीटा, हम लोगों को थीटा दिया है 1 degree 54 minute, जो कि आपका 60 से जोड़ दिया हम लोगों ने, और आगे आपका 114 आपका मिनट, इसको हम लोगों ने 60 से मल्टीप्लाई किया, और फिर हम लोगों ने ये सेकंड में चेंज करके, और फिर 485 × −6 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज कर लिया, और आपका आएगा 3.32 × −2 रेड। अब ये आपका एक सेकंड इतना रेड का हो गया, 4.85 × −6। अब ए बी जो है वह आपका दिया हुआ है 1.276 × −7, ये अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जबकि हम लोग जब डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बी बाई थीटा, यानी कि आपका जो जो रेडियस है 1.276 × 10⁻⁷ को डिवाइड करेंगे 3.32 × 10⁻², तो आपका आंसर हो जाएगा 3.84 × 10⁸ meter। चलिए तो अब एग्जांपल 2.4 करेंगे, द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 920 मिनट सेकेंड, द डिस्टेंस डी फ्रॉम द अर्थ सन ऑफ फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 × 10⁻¹⁰ meter, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो सन के डायमीटर को हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग एंगल को कंसीडर करते हैं, एंगुलर डायमीटर जो है वो दिया है 90 20 सेकेंड, तो इसको हम लोग 4.85 × −6 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज कर देते हैं, तो आता है आपका 9.3141 × 10⁻³ रेड। अब हम लोग निकालते हैं सन का डायमीटर, जो डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9.31 × −3 × 1.496 × 10⁻¹⁰, जो आपके आता है 1.39 × 10⁹। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी छोटे होते हैं। द मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ मॉलिक्यूल 10⁻⁸ meter से लेकर के आपका 10⁻⁻⁰ meter तक होता है, वी हैव टू अडॉप्ट स्पेशल मेथड, इस्तेमाल करते हैं इसमें, वी कैन नॉट यूज स्क्रू गेज का इस्तेमाल तो इसमें कर ही नहीं सकते हैं, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट उस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट जो है नहीं इस्तेमाल हो सकता, इवन ए माइक्रोस्कोप हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, माइक्रोस्कोप का भी एक लिमिटेशन होता है, एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज विजुअल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन, लाइट हैज़ वेव लाइक फीचर्स,
द रिजोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू वेवलेंथ से हम लोग लाइट का डिटेक्ट करके एक्सप्लेनेशन कैन बी फाउंड इन क्लास 12 फिजिक्स टेक्स्ट बुक. द विजुअल लाइट द रेंज होता है वह होता है आपका 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम. एंगस्ट्रम जो होता है बहुत छोटा यूनिट होता है, 10^-10 मीटर का होता है. Hence an optical microscope cannot resolve particles with the size use an electron beam. The electron beam can be focused by properly distinct electric and magnetic field. The resolution of such of electron microscope is limited finally by the fact electron can also behave as wave की तरह behave करता है. यू विल लर्न फ्रॉम मैंने क्लास 12 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे. वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एज अ स्मॉल एज माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन 0.6 एंगस्ट्रम का ही होता हैज बीन बिल्ड. दे कैन ऑलमोस्ट रिजोल्व एटम मॉलिक्यूल एंड मटेरियल इन रिसेंट टाइम्स. टनलिंग माइक्रोस्कोपी हैज बीन डेवलप्ड with against the limitation resolution is better than an angstrom. It is possible to estimate the size of molecule. तो हम लोग आते हैं ए सिंपल मैथड फॉर एस्टिमेट द मॉलिक्यूल साइज. ओलिक एसिड इज गिवेन बिलो. ओलिक एसिड जो होता है सोपी लिक्विड का विथ लार्ज मॉलिक्यूल साइज होता है, उसका 10^-9 मीटर का. द आइडिया इज फर्स्ट फ्रॉम मोनो मॉलिक्यूल लेयर ओलिक एसिड और वाटर सरफेस. वी डिजॉल्व 10^1 cm ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल मेक 20 cm क्यू. देन वी टेक टेक ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डायल्यूट 20 cm क्यू यूजिंग अल्कोहल. सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/20 × 20 cm³. ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यू. नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम ल्यूकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लार्ज टॉफ एंड वी पुट 1 drop ऑफ दिस सॉल्यूशन इन वाटर. द ओलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड इनटू थीन लेयर एंड रफली सर्किल फिल्म ऑफ मॉलिक्यूल थिकनेस एंड वाटर सरफेस. देन वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ थीन फिल्म टू गेट एरिया ए. सपोज वी ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप ऑफ पानी का उसमें मिलाए हों. इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी सेंटीमीटर क्यू. तो वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन एन इंटू भी सेंटीमीटर क्यू. अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन एन भी बाई 1/20 × 20 cm³. This solution of oleic acid spread very fast on the surface of water and form a very thin layer of thickness D. If this spread to form a film A centimeter square, then thickness of film T is equal to volume of thin by area of film. तो इसको लिख सकते हैं T is equal to NV by 20 × 20 cm³. If we assume that the film has monomolecule thickness, then these become the size of diameter of a molecule of oleic acid. The value of this thickness comes out to be the order of 10^-9 meter. तो इससे related एक आपका numerical है जो हम लोग next video में करेंगे. आज के लिए इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.